सिर्फ 2 चम्मच पानी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई। आपने सुना होगा घी की मिठाई, मावे की मिठाई, बट आज हम बनाएंगे पानी से मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए, बिना घी, बिना मावे की। और यकीन मानिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी ना कि आप खाते रह जाएंगे। और इसे बनाना भी इतना आसान है कि हर कोई इसे बना पाएगा और सिर्फ 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगी। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का रेनू की रेसिपीज़ में हार्दिक स्वागत है। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने आपके अपने चैनल रीनू की रेसिपीज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ हमेशा आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने 3 छोटी चम्मच चीनी पाउडर लिया है। चीनी को मैंने मिक्सी के जार में अच्छा बारीक पीस लिया है और छान लिया है, ताकि इसमें कोई बड़े कण रह गए होंगे तो वो निकल जाएं। हमें चीनी का फाइन पाउडर चाहिए यहाँ पर, और चीनी यहाँ पर मैंने कम ली है क्योंकि हम आगे कुछ और इसमें मिलाने वाले हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। और अब 1 कप इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, जिसे खोपरे का बूरा या डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं, ये 1 कप मैंने डाला है इसमें। अब इसमें 4 छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, इससे एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा हमारी मिठाई का। मिल्क पाउडर में मीठा होता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी कम मिलाई है। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको सारी चीज़ें मिला लेना है। तो ये मैंने मिला लिया है इसे अच्छे से। अब हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी मिलाएंगे, नॉर्मल पानी जो मटके का होता है, 2 चम्मच डालेंगे इसमें और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले 1 चम्मच डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, फिर 2 चम्मच डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। केवल 2 चम्मच में यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसका आटा लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी पाउडर है और मिल्क पाउडर है, उससे मिश्रण बहुत जल्दी गीला हो जाता है। चीनी और मिल्क पाउडर दोनों पानी रिलीज़ करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है। हमें ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना है, इस तरह से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए आटा हमारा। तो अब हम इस आटे की 2 भाग कर लेंगे, एक थोड़ा बड़ा रखेंगे, एक थोड़ा छोटा रखेंगे। जो छोटा वाला भाग है उसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का फूड कलर मिला रही हूँ, आप कोई सा भी कलर मिला सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने 2 ड्रॉप डाला है फूड कलर का, ये लिक्विड फूड कलर है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, हमारे दोनों मिश्रण तैयार है। सबसे पहले ये जो ब्राउन वाला मिश्रण हमने बनाया है, इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं गुलाब जामुन के आकार की। तो देखिए, इस तरह से हमको बनाना है। इसी तरह से मैं सारी गोलियां बना लूँगी। तो देखिए, ये मैंने सारी गोलियां बना ली है, टोटल 5 गोलियां बनी हैं इतने मिश्रण में। अब हम सफ़ेद वाला मिश्रण हाथों में लेंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ पर पहली मिठाई थोड़ी बड़ी बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा मिश्रण लिया है इस मिठाई का। तो देखिए, इस तरह से हमको गोल घुमाकर इस तरह से पूड़ी की तरह इसे बना लेना है, छोटी पूड़ी बनानी है हमको इस तरह से। और अब जो ब्राउन कलर की गोलियाँ हमने बनाई है ना, वो इसमें हम रखेंगे 1 गोली, और इसको इस तरह से लंबाई में आकार देंगे हम, और इसे पैक कर देंगे हम इस तरह से। बहुत इजी है दोस्तों, आप आसानी से बना पाएंगे ये मिठाई। देखिए, इसको हमको एक सा कर लेना है, अच्छा सा शेप दे देना है हमको हाथों से। दोनों तरफ से मिठाई को हमको इस तरह से चौकोर शेप दे देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये मिठाई बना ली है। इसी तरह से मैं सारी मिठाइयाँ बना लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी मिठाइयाँ बना ली है और इन पर चांदी का वर्क लगा दिया है थोड़ा सा, ताकि मार्केट वाली मिठाई जैसा लुक आ सके। अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार बनी है हमारी मिठाई। कोई भी नहीं पता लगा पाएगा कि इसे हमने
सिर्फ 2 चम्मच पानी से बनाया है, बिना घी बिना मावे के बिना गैस जलाए बनाया है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी मिठाई बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।